माय नेम इज़ नायाब एंड आई एम स्टूडेंट ऑफ थर्ड ईयर टेक्सटाइल डिज़ाइन। और मुझे हमेशा से टेक्सटाइल डिज़ाइन का बहुत शौक था। जब मैंने अपना FSC क्लियर किया था तब से ही मैं ये सोचती थी कि मैं जब भी ज्वाइन करूँगी टेक्सटाइल डिज़ाइन ज्वाइन करूँगी, क्योंकि ये हमारी एक पुरानी रवायत है, इंडस वैली सिविलाइजेशन से चलती आ रही है। जब भी हम देखते हैं हमारे कपड़ों में, हमारे आसपास, हमें हर कहीं टेक्सटाइल डिज़ाइन की एक झलक नज़र आती है। अगर आप देखेंगे तो ये ट्रेडिशनल वेज में भी बहुत आगे जा चुकी है, और अगर आप किसी भी वे में देखें, प्रोफेशनलिज्म में जाएं, तब भी आपको हर कहीं टेक्सटाइल डिज़ाइन और डिज़ाइन आपको लाजमी मिलेगा। इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इसको एज ए प्रोफेशन चूज़ किया जाए और इसके लिए फ़र्दर पढ़ा जाए, ताकि इसमें हम आगे अपना नाम भी बना सकें और अपने कल्चर को आगे भी बढ़ा सकें। अगर आप सिंध की साइड जाएं तो आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन की बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। वो भिटशा से स्टार्ट होती हैं, मकली पे ख़त्म होती हैं। अगर आप देखेंगे उन चीज़ों में आपको छोटे छोटे मोटिव्स मिलेंगे, डिज़ाइंस मिलेंगे, जो हमारी रिवायात को अच्छे से जाहिर करते हैं और हमें दिखाते हैं कि जो हमारी रिवायात है वो अभी की नहीं है, वो हज़ारों साल पुरानी है। अगर हम उनको अभी भी लेकर चलेंगे तो ये हमारे लिए ही अच्छा होगा। हम जितना अपने कल्चर को आगे बढ़ाएंगे उतना हम ही आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जो भी इंसान कल्चर को लेकर चलता है वो ही हमेशा कामयाब होता है। अगर हम इस फील्ड को एज अ प्रोफेशन चूज़ करते हैं तो लाजमी है कि हम हमेशा ही आगे जाएँगे और हम इस फील्ड में कुछ ना कुछ कर पाएंगे। शुक्रिया।